रोज की तरह उस दिन भी नवीन अपने वही पुराने स्कूटर को किक मार कर चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। इस कबाड़ स्कूटर से मैं तंग आ गया हूँ। एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कभी कभी मन करता है कि कोई घोड़ा या गधा ही ले लूं रोज आने जाने के लिए, ना रोज किक मारने की झंझट और ना पेट्रोल का खर्चा। तभी स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और नवीन ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को ऑफिस से आते टाइम रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है। अरे दोस्त, बड़े दिनों बाद मिले, क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अरे दोस्त, घुड़सवारी का एक कंपटीशन होने वाला है 2 हफ्ते बाद, मैंने भी भाग लिया है उसमें। अब बस एक अच्छा सा घोड़ा लेना है। बातें करते करते वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजू अस्तबल जाता है। अरे भैया, ये घोड़ा कितने में दोगे? मुझे घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए एक अच्छा से अच्छा घोड़ा चाहिए। तू और घुड़सवारी? शकल देखी है तूने अपनी, तेरी इतनी औकात नहीं जो तू इन नायाब घोड़े की कीमत दे सके, समझा? अरे भैया, इसमें कैसी औकात, मुझे घुड़सवारी पसंद है, मैं कर सकता हूँ। चल चल, गधे जैसी शक्ल वाले गधे पर सवारी कर। कहकर अस्तबल वाला राजू को धक्का मार कर अस्तबल से बाहर निकाल देता है। अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता। माना कि मैं पैदाइशी रईस नहीं हूँ तो क्या मैं घुड़सवारी नहीं कर सकता? ऐसा किसने नियम बनाया है कि सिर्फ अमीर लोग ही घुड़सवारी का शौक रख सकते हैं? अब मैं कैसे कंपटीशन में भाग लूंगा? परेशान राजू सोचते सोचते और खुद से बात करते करते जंगल में चलता ही जा रहा था कि उसकी नजर एक गधे पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस गधे पर ही प्रतियोगिता में भाग ले लूं? आखिर गधे और घोड़े में फर्क ही क्या है? दोनों के ही 4 पैर, 2 कान और 1 पूंछ होती है। आखिर भाई भाई ही तो है गधे और घोड़े, और कितना अलग होगा कि सब घोड़े पर और मैं गधे पर, सबका ध्यान मुझ पे ही जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा, अब तो बस मेरे ही नाम की चर्चा होगी हर जगह। बस फिर क्या था, राजू अपनी तरकीब को अंजाम देने के लिए उस गधे को अपने घर ले जाता है, उसे खिलाता पिलाता है, देखरेख करता है। अब वो दिन आ ही गया जब सब अपने घोड़े के साथ तैयार खड़े थे प्रतियोगिता के लिए। राजू अपने गधे पर बैठ कर आता है। वहाँ खड़े सब लोग ये नजारा देख कर जोर जोर से ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। अरे अरे, ऐसे देखो, घोड़े पर कथा सुना था पर गधे पर कथा पहली बार देखो। माना की प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी था, प्राइज में मेडल के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे, पर पैसों के लालच में अपना ही मजाक बनवा लो, ये कहाँ की समझदारी है। अरे भाई, आज इसने साबित कर ही दिया कि गधों की कमी नहीं है संसार में। हाँ तो क्या हो गया, अगर मैं गधे पर आया हूँ तो मुझे घोड़ा नहीं मिला कहीं, और मेरे लिए बहुत जरूरी था भाग लेना। प्रतियोगिता शुरू होती है। जैसे ही सीटी की आवाज के साथ हरा झंडा फहराया जाता है, सब लोग अपने अपने घोड़े की लगाम कसते हैं और रेस शुरू होती है। राजू भी अपने गधे पर हाथ फेरता है आगे बढ़ने के लिए, पर गधा वही ढेंचू ढेंचू करने लगता है। बड़ी ये देखो नया नया नमूना घोड़े के बीच गधा। बड़े शौक से आया था गधे पर सवारी करने, पर बड़ी गधे ने तो शुरू होते ही जवाब दे दिया। लोगों के ताने और गधे की हरकत देखकर राजू बहुत दुखी होता है और बीच प्रतियोगिता में से ही वापस आ जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। मैं क्या करूं? अगर मेरे पास घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं है तो मैंने इतनी मेहनत से एक हल निकाला था पर कोई फायदा नहीं हुआ, ऊपर से मेरा ही मजाक बन गया, अब मैं और ताने नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। गधे को वही किनारे पर छोड़कर राजू कुएं में छलांग मार देता है और मर जाता है। वो गधा ये सब देखकर जोर से धींचू धींचू करने लगता है। गधा दौड़े दौड़े यहाँ वहाँ भागने लगता है पर कोई मदद नहीं कर पाता। हार कर वो आंखों में आंसू लिए वहीं कुएं के किनारे बैठ जाता है। फिर आधी रात को
तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, मानो मौत का तूफान आ रहा हो। तभी कुएं से अचानक जोर जोर से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगती हैं। मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहते हुए एक भूत कुएं से उड़ता हुआ बाहर निकलता है और उसी गधे पर बैठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ ये तुम ही थे जिसे मेरे दुख का अंदाजा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। भूत गधे पर पूरी रात गांव में चक्कर काटता है। एक घर की खिड़की खुली होती है। अरे ये इतनी रात गए गधे पर कौन घूम रहा है? अंधेरी की वजह से चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा। अजी जरा देखिए तो, कहीं ये बुर्बक राजू तो नहीं जिसके बारे में पूरा गांव बातें कर रहा था? वो गधे पर रेस लगाने वाला? हाँ हाँ वही, वरना इस टाइम और कौन गधे पर फेरी मारेगा। कहकर सांबरी और उसका पति रौनक जोर जोर से हंसने लगते हैं। रुको इससे जरा मजे लेके आता हूँ। रौनक आव देखता है नताव, बिना सोचे समझे बाहर आकर गधे वाले को आवाज देने लगता है। ओ गधे की औलाद, उस दिन की बेइज्जती कम पड़ गई क्या? तो आधी रात में फिर से गधे पर घूम रहा है। इतना सुनते ही गधे पर बैठा भूत मुड़ता है, जिसे देखकर रौनक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या बोला बे, बेइज्जती? इज्जत तो तेरी जाएगी अब। जैसे ही रौनक भूत देखता है उल्टे पांव भागने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, मर गया रे, मैं तो इसे नालायक राजू समझ रहा था, पर ये तो भूत है। आजकल के भूत ऐसे भी होते हैं क्या जो गधे को सवारी बनाते हैं? भाग बेटा भाग। रौनक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर भूत उसे पीछे खींचने लगता है और उसे गधे की पूंछ से बांधकर घसीटता हुआ पूरे गांव का चक्कर काटता है। अरे अरे गधे वाले भूत जी, अरे मुझे माफ कर दो, अरे मेरी सबाब फिसल गई थी, मेरे मुंह से निकल गई ऐसी बात, आए मेरी जबान टूट के गिर पड़े, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भूत जी। लाख माफी के बाद भूत रौनक को उसके घर के आगे फेंक कर वापस जंगल में चला जाता है। अजी आप राजू को मजा चखाने गए थे और खुद धूल चाट कर आ रहे हैं। सांवरी को अपनी हालत पर हंसता देख रौनक की आते पीते निकलने लगती है। वो सांवरी को जोर का थप्पड़ मारता है। अरे मैं यहाँ बेकानी शादी में अब्दुल्ला बन गया और तू खड़ी खड़ी दांत दिखा रही है, तेरी तो मैं। जैसे ही रौनक सांवरी को एक और थप्पड़ जड़ने के लिए आगे बढ़ता है, सांवरी चिल्लाती हुई अंदर भाग जाती है। रौनक के साथ हुई घटना पूरे गाँव में फैल जाती है। अक्सर ही लोग भूत को गधे पर आता जाता देखते हैं रातों को, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो जाकर मामला पता कर सके। यहाँ जो भी गधे पर सवारी करने पर मजाक बना था, भूत उसको उसी रात सबक सिखाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम चीनू और नवीन बाजार जाते हैं कुछ खरीदारी करने, पर रास्ते में ही उनका स्कूटर बंद पड़ जाता है। हाय हाय, इस खटारा को बेच क्यों नहीं देते? चुप कर करम चली, बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बाप ने चार पहिए की गाड़ी दे दी हो दहेज में। मेरे बाप को मत लाओ बीच में, और इस कबाड़ से अच्छा है गधा ही ले लो तुम भी। चीनू गुस्से में रिश्ता पकड़ती है और घर आ जाती है। तभी नवीन को एक आवाज सुनाई देती है। ये लो मेरा गधा और गधे पर घर चले जाओ। नवीन यहाँ वहाँ देखता है और जो देखता है मानो उसकी किडनियाँ मुंह से बाहर निकल आई हो। भूत भूत भूत, गधे वाला भूत। अरे नवीन डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या मैंने भूतों से कब दोस्ती की? भागो भूत भूत। नवीन स्कूटर वहीं छोड़ भागने लगता है। तभी भूत उसके आगे गधे के साथ फिर से प्रकट हो जाता है। नवीन मैं हूँ राजू, डर मत मुझसे। राजू का नाम सुनकर नवीन एक पल को रुकता है और पूछने लगता है। क्या मजाक कर रहे हो? मेरा दोस्त राजू इस प्रतियोगिता के बाद ही कहीं चला गया था, और भूत हो तुम राजू कैसे हो सकते हो? भूत फिर उसे सारी घटना बताता है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ये समाज दूसरों की दिक्कत मजबूरी जाने बिना ही उनका मजाक बनाने लगता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, अब
कुछ भी करने से क्या होगा। देखो दोस्त, मैं तुम्हारी जिंदगी तो वापस नहीं ला सकता, पर तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें दिलाने की कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। अगले दिन नवीन अखबार में राजू के साथ हुई घटना छपवाता है, जिसे पढ़कर सारे गांव वालों को पछतावा होता है और वो सारे मिलकर कुएं से राजू की लाश निकालते हैं और उसका देह का संस्कार करके उससे माफी मांगते हैं।